नमस्कार। आज बबाडंगा नक्शा का चित्रांगदा देखा, और चित्रांगदा इससे पहले भी मैंने एक परफॉर्मेंस देखा है, मुझे याद नहीं, कुछ साल पहले कलकत्ता में ही एक जगह पर देखा था। पर आज जिस तरह का एक्सपेरिमेंट इस स्क्रिप्ट के साथ और इस थॉट के साथ किया, वो देखकर बहुत खुशी हुई। और असल में यही चीज़ें हमें थिएटर में चाहिए, जो हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज के साथ हम कहीं जोड़ सकते हैं, आज के कंटेंट के साथ जोड़ सकते हैं, आज की समस्या के साथ जोड़ सकते हैं। वही चितांगदा में आज चितांगदा की टीम ने किया, और जो एलिमेंट यूज़ किए गए, जिस तरह की भाषा यूज़ की गई, असल में ये स्टाइल और ये चीज़ें हम लोग कहने को तो थिएटर में करते हैं, पर उसको उस तरह से प्रेजेंट नहीं करते। और इस फॉर्म को, जिस तरह के फोक फॉर्म्स को यूज़ किया गया, जिस तरह से एलिनेशन को यूज़ किया गया, वो सच में बड़ा मतलब मेरे लिए बड़ा ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और मुझे उम्मीद है कि ये जो इम्प्रोवाइजेशन है, ये कंटिन्यू आगे करेंगे और भी हमारे कुछ अच्छे टेक्स्ट को भी इसी तरह से लोगों तक पहुँचाएँगे। और एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अर्जुन और चितांगदा को आज के कंटेंट के साथ जोड़ा गया, अगर आज ये कहानी घटती तो क्या होता, आज का रिएक्शन क्या होता, आज की भाषा क्या होती, वो तो बहुत खूबसूरती से दिखाया गया। मैं दिल से बधाई देता हूँ गोबरडंगा नक्शा की पूरी टीम को, आशीषता को, भूमिशिता को, दीपानीता दीदी को, और सभी टीम्स के जितने भी आर्टिस्ट थे, सब ने बहुत अच्छा किया। और दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।